हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपसे विक्टोरियन एज की चर्चा करते हैं, जिसका ड्यूरेशन रहा है 1837 टू 1901। एक्चुअली महारानी विक्टोरियन या महारानी विक्टोरिया का जो शासनकाल था, उसके दौरान का जो टाइम था या उसके शासनकाल का जो टाइम था, उसे विक्टोरियन एज के नाम से जाना गया। चार्ल्स डिकिंस ने इस एज को द विंटर एंड द स्प्रिंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स डिकिंस द विंटर एंड द स्प्रिंग ऑफ इंग्लैंड कहकर संबोधित करते हैं। रियली दिस एज इट वॉज एन एज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल अवेकनिंग, सोशल इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस के नाम से जाना जाता है। मैकियावेली ने, अगर हम मैकियावेली की बात करते हैं, तो मैकियावेली ने इस एज के प्रोग्रेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, और डिकिंस ने इस एज की हॉलोनेस और गरीबों की पॉवर्टी की या गरीबों की जो कंडीशन थी उस पर डिपिक्शन किया था। इस एज को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का एज मानते हैं, अगस्टिन एज की तरह से ही। इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एग्रीगेरियन जो इकोनॉमी थी उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चेंज कर दिया था, और इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे उस इम्पोर्टेंट सेंटर्स पर मिल्स और फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। और इस एज में जो वीविंग मशीन जो थी, उन्होंने तो वास्तव में इंग्लैंड को एक न्यू डायरेक्शन दे दी थी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का एज होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में अभी भी बेचैनी थी। रीज़न था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो पब्लिक थी, उसमें जो वेल्दी लोग थे, रिचिज लोग थे, अर्थात धनवान थे, उन्हें और धनवान बना दिया था, और जो गरीब लोग थे उनको और ज़्यादा गरीब बना दिया था। इस प्रकार से बेचारों की कंडीशन और माइजरी से भर गई थी, मेजरेबल कंडीशन हो गई थी। और जो नेशनल वेल्थ था, उस नेशनल वेल्थ में इक्वालिटी नहीं थी। हॉपकिंस तो यहाँ तक लिखते हैं, इंग्लैंड हैज ग्रॉन ह्यूज वेल्दी बट इट हैज नॉट रीच्ड टू द वर्किंग क्लासेस। मतलब बहुत धनवान हो गया था इंग्लैंड, लेकिन यह जो वेल्थ थी वो वर्किंग क्लासेस का लोग थे, अच्छा जो निचली कंडीशन के गरीब लोग थे उनके पास तक ये वेल्थ नहीं पहुंचती थी। अगर हम बात करते हैं इस इंग्लैंड, अगर इसी समय की अगर हम बात करते हैं, तो इसे हम मशीनरी का एज भी कह सकते हैं। मशीनरी का एज क्यों कह सकते हैं, क्योंकि लोग पब्लिक जो थी पूरी तरह से हर्टली और मेंटली, पूरी तरह से माइंड से और हर्ट से पूरी तरह से मशीन पर निर्भर हो गई थी, तो इसे मैकेनिकल एज भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस एज में, तो एक 1832 में एक रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ था। रिफॉर्म एक्ट में जो लैंडेड ऑटोक्रेसी के लोग थे उनकी, उन्हें राजगद्दी से उतार करके उसकी उनकी जो पावर थी वह शॉपकीपर्स में और फार्मर्स में डिवाइड कर दी गई थी, तो या ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो इस प्रकार से इस एज में जो, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, तो इस एज में 1801 की पॉपुलेशन 10 करोड़ थी, और 1901 में जो वही पॉपुलेशन थी वह 37 करोड़ पर जाकर इंक्रीज हो गई थी। तो अब इसके बाद आती है बात कि जो बच्चे होते थे
जो परिवार में बच्चे होते थे उन पर माता पिता का अधिकार हो गया था, और महिलाएं थी महिलाओं पर पति का अधिकार हो गया था। तो अब महिलाओं की कंडीशन जो थी वो मेजरेबल होने लगी थी, खराब होने लगी थी, दयनीय होने लगी थी। अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, तो उस समय रिलीजन में दो प्रकार की विचारधाराएं पनपी हुई थी। एक आपकी विचारधारा थी वो थी आपकी द स्कूल ऑफ रेशनलिज्म, और दूसरी विचारधारा थी द कैथोलिक रिएक्शन। 19 सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते ये जो एज थी वो है रीजन का एज मानी जाने लगी थी। इस समय में जो इसी के मामले में इसी समय में ह्यूम और वोल्टेयर थे, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया था। सेले और ओबिन्स थे, इन्होंने अपने वर्क्स में रिलीजन पर अटैक करते हुए अपने कार्य लिखे थे। और इसके अलावा कैथोलिक जो मूवमेंट था, तो कैथोलिक मूवमेंट को रोमांटिसिज्म ने काफ़ी सपोर्ट किया था। और उस समय जो जॉर्ज बैरो थे, जॉर्ज बैरो प्रोटेस्टेंटिज्म के चैंपियन माने जाते हैं। इन्होंने बताया था कि स्कॉट के नोबल ने लॉर्डिज्म और पोपरी को रिवाइव किया था। और इन्होंने जॉर्ज बैरो ने हमें बताया था कि जो बेवरली के जो नोबल थे, बेवरली के नोबल से ही जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उसका ओरिजिनेशन हुआ था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ने लोगों में या पब्लिक में रिलीजियस बिलीफ और गॉड के प्रति जो विश्वास था उसे बढ़ाया था। वैसे तो इस एज के जो लोग थे वो हार्डली मेटलिस्टिक थे और काफ़ी रिलीजियस थे, रिलीजन बहुत विश्वास करते थे, लेकिन ये सिविलाइजेशन और मॉरलिटी की बहुत ज़्यादा बात करते थे। इस एज का लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा अधिक रूप से न्यू क्लासिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, और जो जब न्यू क्लासिकल से जुड़ा हुआ था और इसे न्यू क्लासिकल वही था जिसका जो अपोजिशन था जो वो रोमांटिसिज्म ने किया था। रोमांटिसिज्म और इसमें रियलिज्म जो था उसने अपने पैर को अच्छे जमा लिया था, अथा मजबूत हो गया था। सोशल लाइफ एक अभिन्न अंग बन गई थी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो बिलीफ था, अच्छा सोशल बिलीफ था या रिलीजियस बिलीफ था, उस रिलीजियस बिलीफ को हिला के रख दिया था। और जॉर्ज फोर्थ का जो शासन था वो मॉरल लैक्सिटी का शासन था, पूरी तरह से मॉरल लैक्सिटी से भरा हुआ था। विक्टोरियन एज में रोमांटिसिज्म का अभी भी प्रवाह समाप्त नहीं हुआ था। आप ऐसे कह सकते हैं इट हैज लॉस्ट द क्रिएटिव पावर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स। क्रिएटिव पावर वर्ड्सवर्थ और कीट्स की समाप्त हो गई थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कार्लाइल ने रोमांटिसिज्म का विरोध किया था, और रोमांटिसिज्म से ही ब्राउनिंग, टेनिसन, आर्नोल्ड और थैकरे जैसे विद्वान काफ़ी प्रभावित हुए थे। जब कार्लाइल ने रोमांटिसिज्म का विरोध किया तो कार्लाइल का जो आइडियलिज्म था वह रोमांटिक आपका जो मिस्टिसिज्म था वह रोमांटिक मिस्टिसिज्म से ज़्यादा कुछ और नहीं था। उन्होंने अगर हम बात करते हैं डिकिन्स की, तो डिकिन्स का जो क्रिटिसिज्म था वह हमें बायरन और जो है सेले जैसे महान पोइट्स की याद दिलाता है। अगर हम बात करते हैं तो आपका जो रिलीजियस रिवाइवल ऑफ ऑक्सफोर्ड और द सोशल एंड एस्थेटिक क्रूसेड ऑफ रस्किन और अंडर्स अटैक ऑन फिलिस्टीन्स, ये सारी विचारधाराएं आदर्शवादी थीं जो कि रोमांटिसिज्म से जुड़ी हुई थीं। अगर हम बात करते हैं विक्टोरियन लिटरेचर, ये बहुत आयामी था, जो कॉम्प्लेक्स था, जो रोमांटिकली और रियलिस्टिकली दोनों प्रकार से चेंज दिखाता है। नए नए प्रकार की मैगजीन्स थी और नए नए प्रकार का जो श्रोता थे उन्होंने विक्टोरियन एज के लिटरेचर को काफ़ी प्रभावित कर दिया, काफ़ी इम्पैक्ट कर दिया था, काफ़ी इन्फ्लुएंस कर दिया था। और
स्कॉट की डेथ एवं 1870 अर्थात 1870 के मिडिल का जो टाइम जो था उसे ग्रोथ ऑफ रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता था। इसका संबंध रोमांटिसिज्म से उसी प्रकार से था जिस प्रकार से जॉनसन का संबंध नियो क्लासिकल से था। अगर हम बात करते हैं कि इस समय जो जॉर्ज इलियट और टॉमस हार्डी थे, इन्होंने रियलिस्टिक जो नोवेल थे उनको न्यू डायरेक्शन दे दी थी, और डब्ल्यू एच हडसन और जो आपके किपलिंग थे, इन्होंने नोवेल को रिवाइव किया था, नोवेल को पुनर्जीवित किया था। अगर हम बात करते हैं वाल्टर पेटर की, तो वाल्टर पेटर ने आठ और आठ से के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और इसको रिवाइव रखा था और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कराया था। और हम बात करते हैं 1870 और 1914, तो इस एज को रियलिस्टिक पीरियड माना जाता है। 1870 से लेकर के 1914 का जो टाइम था उसे रियलिस्टिक पीरियड माना जाता है। और पोएट्री की अगर फील्ड में बात करते हैं तो रॉड ब्राउनिंग और टेनिसन का नाम उस समय भी लिया जा सकता है, या उनका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो प्रॉब्लम प्लेस की बात करते हैं तो ए डब्ल्यू पिनरो और एच ए जॉन्स और जॉन्स गार्ड्सवर्दी का जब नाम आता है तो वो प्रॉब्लम प्लेस में अग्रणी है या पाइनरिज्म के साथ लिया जा सकता है। आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।